पहले कप्तान को गंवाया, अब नंबर एक ऑलराउंडर भी हो गया बाहर। आईपीएल से पहले केकेआर पर खतरों का बादल मंडराया, तीन बड़े झटकों ने नाइट्स के कैंप में पैनिक फैलाया। आईपीएल 2023 के आगाज की घड़ी नजदीक है, पर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मुसीबत है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। सीजन शुरू होने के पहले ही उनके टीम के रेगुलर कप्तान श्रेयस अय्यर चोट के चलते बाहर हो चुके हैं और फिलहाल एनसीए में अपनी फिटनेस और रिकवरी पर ध्यान दे रहे हैं। अय्यर के बाहर होने के चलते केकेआर ने आगामी सीजन के लिए नीतीश राणा पर अपना भरोसा दिखाया है और इससे पहले दिल्ली स्टेट टीम की कप्तानी कर चुके राणा पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन ग्राउंड पर उतरने से पहले ही कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। दरअसल श्रेयस अय्यर के बाद अब बांग्लादेश के दो बड़े खिलाड़ी भी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पहले कुछ मुकाबलों में उपलब्ध नहीं होंगे। इसमें एक नाम मौजूदा समय में दुनिया के नंबर एक T20 ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का भी है, जबकि दूसरा नाम बांग्लादेश के स्टार ओपनर और काफी शानदार फॉर्म में चल रहे लिटन दास का रहने वाला है। ये दोनों बांग्लादेशी क्रिकेटर फिलहाल अपने घर पर आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का हिस्सा है, जिसका आखिरी मुकाबला 31 मार्च को खेला जाना है। वहीं इसके बाद 4 से 8 अप्रैल के बीच बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच भी आयोजित होगी और ऐसे में लिटन दास और शाकिब अल हसन 8 अप्रैल के बाद ही कोलकाता के कैंप में जुड़ पाएंगे और इसके बाद ही दोनों सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हो पाएंगे। गौरतलब है कि दोनों ही खिलाड़ियों को कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसी ऑक्शन में खरीदा है, जहां लिटन दास को नाइट्स ने 50 लाख की बेस प्राइस पर उठाया था, वहीं पर शाकिब अल हसन के लिए उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए खर्चे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इन दोनों खिलाड़ियों के नेशनल कमिटमेंट्स के चलते केकेआर को पहले कुछ मुकाबलों में इनकी सेवाएं उपलब्ध नहीं मिलेंगी। जिस फॉर्म में लिटन दास चल रहे हैं वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ओपनिंग में असरदार साबित हो सकते हैं और बतौर विकेटकीपर भी टीम में खेल सकते हैं, जबकि श्रेयस की गैर मौजूदगी में शाकिब टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस लेकर आ सकते हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि पहले कुछ मुकाबलों में इनके बिना कोलकाता नाइट राइडर्स किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि श्रेयस अय्यर का ना होना कोलकाता के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। वैसे आप सभी को क्या लगता है, क्या कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार आईपीएल में कमाल करने में कामयाब रहेगी या नहीं? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।